का जवाब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को दिया कि जो मरणासन्न अवस्था में पड़ा है उसको सदैव सतत श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और जो जीवन में जीना चाहता है उसे भी भगवान की भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ विधियां भक्ति की भगवान को रिझाने की, इनमें सदैव रहना चाहिए। हरि कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का जप नाम जप करे, पाद सेवनम भगवान के भक्तों के चरणों का स्पर्श करे, भगवान की सेवा करे, अर्चनम वंदनम अर्चना करे भगवान की, पूजा करे वर्शिपिंग, वंदनम वंदना करे भगवान की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। वंदना करे भगवान की, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये वंदना नहीं है, आरती है भगवान की। वंदना बोले तो ग्लोरिफिकेशंस, भगवान की कीर्ति का गान, भगवान के रूप का, भगवान के चरणों की वंदना करे कि आपके चरण कितने शीतल हैं, सुशीतल हैं, इनकी शरण में सभी को शीतलता मिलती है, सुख शांति मिलता है, ऐसी वंदना भगवान की। अर्चनम वंदनम दास्यम सेवा करे दास भाव से, दासानुदासानुदास भगवान के दासों के दास बन जाना, भगवान के शुद्ध भक्तों के उनके भक्तों के चरण में शरण लेना, सर झुकाना, उनकी सेवा करना, जो भी सेवा बन पड़े, दास्यम साख्यम सखाभाव, भगवान सखाभाव तभी भगवान से जुड़ सकता है जब हम भगवान के भक्तों के मित्र बन जाए। भगवान के भक्तों के मित्र बन जाने से भगवान के साथ सखाभाव प्रकट होता है। दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और जो भी आत्मा के निवेदन हो वो भगवान से करे, श्री कृष्ण से, कि भगवान रक्षा करना, जो भी आपके आत्मा निवेदन, जो भी आपको कुछ दुख सुख सुनाने हैं भगवान को सुनाए। मेरो दर्द तो तभी मिटे जब वैद्य संवरिया होए, मीरा बाई गाती है कि ये जो दर्द हेली रे मेरो दर्द न जाने को है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा दर्द दूर कर दो, सबसे बड़ा दर्द है कि मैं संसार में फंसा हुआ हूं, ये बार बार जन्म मरण जरा व्याधि भय मैं तू निद्रा आहार पशुओं जैसा जीवन जी रहा हूं बार बार, प्रभु मुझे अपना लो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे आप अपना भक्त बना दो भगवान, मुझे अपनी शरण दे दो भगवान, ऐसी आत्मनिवेदन करे भगवान से। ये प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद, नौ विधि भगवान को रिझाने की, भगवान को पाने की, अपने घर वापस चले जाने की, भक्ति के मार्ग दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं संसार को। प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद भगवान के प्रिय हैं, परम शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, निजी पार्षद हैं, ऐसे भक्तों से घिरे हुए और नीलमणि श्याम सुंदर भगवान परमधाम गोलोक में विराजते हैं, उनका ध्यान करें, उनका नाम ले, उनका कीर्तन करें, उनकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है, उन्हीं के कारण से ये सृष्टि है, सुंदरता है, स्वच्छ आसमान है नीला,
चांद सितारे हैं, सुंदर सूर्य उदय होता है, वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, अन्न से हमारा मन और बुद्धि बनते हैं, तो फिर बुद्धि से हम संसार को जी सकते हैं सुखपूर्वक भगवान की शरण में रह करके, तभी हमारा कल्याण होता है, तभी हमको सच्चा सुख मिलता है। और कोई मार्ग नहीं है। संसार को भोगने की इच्छा करेंगे तब तक आपका जन्म यहीं पर होगा। कर्म नीचे किए तो नीच योनि में भी जाने का डर है, गधे बन गए तो मारे गए। मालिक जो है वजन रख रख के कमर तोड़ देगा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है। ऐसे और सूखी घास खाते रहेंगे और संसार की आस करते रहेंगे, संसार की इच्छा करते रहेंगे। मैंने सुना है एक महात्मा जी के मुख से, एक कुम्हार के यहां अक्सर गधे होते हैं, कुम्हारों के पास कुम्हार के यहां गधे, धोबी के भी यहां गधे होते हैं। कुम्हार के पास गधे थे, उनके घर में परिवार में एक बेटी थी। बेटी ने कुछ गलती तो मनुष्य से हो ही जाती है, कहिए कि मनुष्य गलती करता ही है, पूर्ण नहीं है, मनुष्य की इंद्रियां पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो कोई कुम्हार की बेटी ने कुछ गलती कर दी तो कुम्हार ने उठा के एक झापट मार दिया अपनी बेटी को और कड़क आवाज में बोला कि अगर ये ही गलती दोबारा की तो तेरी शादी गधे से कर दूंगा। और जैसी बुद्धि ऐसे ही तो बोलेगा आदमी, लेकिन ये बात गधे ने सुन ली। वो पास में घर में गधा बंधा था, गधे ने सुन ली तो गधा इस आशा में लग गया कि कभी तो ये गलती करेगी तो इसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी। तो मालिक कितना ही डंडा मारे, कितना ही वजन रखे, खुशी खुशी इधर से उधर ले जाए लाए और सूखी भूखा रहे, सूखी घास खाए, नहीं घास हो तो भूखा भी खड़ा रहे, मालिक जहां बांधे वह बंधा रहे, कभी लात नहीं मारे, बड़ी सुख शांति से रहने लगा आशा में कि कभी ये कुम्हार की बेटी अगर गलती कर दे दोबारा तो कुम्हार ने तो बोला है कड़क आवाज में कि शादी तो मेरे शादी हो जाए। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि गधों की शादी मनुष्य से हो जाए? ये गधा तो गधा है। यह हालत संसार को भोग करने वालों की है। इच्छा पूर्ण किसी की नहीं होती इस संसार में, लेकिन आश लगाए रहते हैं कि आज नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। ये इच्छाओं के कारण से हम इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में हो जाएगी, कभी तो होगी। इच्छा बनाए रखो, बढ़े चलो आगे। इच्छा पूर्ण नहीं होती, इच्छा पूरी होती तो कबीर जी क्यों कहते कि आशा तृष्णा ना मरी मरमर गए शरीर। शरीर तो मर जाता है लेकिन आशा इच्छाएं आशाएं नहीं मरती, तृष्णा यानी इच्छा। तो ये इच्छाओं के कारण से यहां पर बार बार जन्म होता है। जैसी तुम्हारी इच्छा होगी ऐसी जकड़े रहोगे, जितनी प्रबल इच्छा होगी भोगों की उतनी प्रबलता से पांव में बेड़ियां पड़ी रहेंगी, जकड़े रहोगे संसार में, फंसे रहोगे यहां पर। हल्की फुल्की इच्छाएं होंगी तो हल्के फुल्के रूप से, लेकिन बंधन तो रहेगा।
भगवान कहते हैं संसार को भोगने की इच्छाएं मनुष्य के हृदय में प्रकट होती हैं, आत्मा की भावनाओं में प्रकट होती हैं, तो ये संसार के बंधन में पड़ जाती है और इच्छाओं के कारण छुटकारा नहीं मिलता, न तो इच्छा पूरी होती न इसका छुटकारा मिलता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बोला है कि अभिलाषा शून्य व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। पहले भगवान ने कहा है कि ये तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी तीन प्रकार की सिद्धियां लोग करते हैं। तमोगुणी सिद्धियों को करने वाले भूत प्रेतों की बैताल की, तमोगुणी सिद्धियां करने वाले नरक में चले जाते हैं और जो इनके संपर्क में आता है उनको भी ले जाते हैं। रजोगुणी सिद्धियां हैं यक्षिणी देव देवताओं से भैरव जी से तंत्र विद्या से रजोगुणी सिद्धियां हैं। रजोगुणी सिद्धियां करने वाले संसार का सुख भोग चाहते हैं तो संसार में भटकते हैं, भोग करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर भोग करने फिर आते हैं, ये संसार में जन्म लेते रहते हैं। और हे उद्धव, सतोगुणी सिद्धियों में 18 सिद्धियां हैं, इनमें 8 प्रधान हैं, बड़ी प्रधानता में है 8, अणिमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकामी ईशित्व वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियों को भी आदमी प्राप्त करता है तो ये संसार का ही अभिलाषा भोग करने के लिए, संसार को भोगने की इच्छाओं के लिए। हालांकि सिद्धियां बड़ी पावरफुल हैं, बड़ा गुण है इनमें, अणिमा लगिमा गरिमा महिमा। महिमा सिद्धि को प्राप्त किया हुआ योगी अपने शरीर का वजन विशेष रूप से अपने शरीर को बढ़ा देता है, अपने हाथ से चंद्रमा को छू लेता है जमीन पर बैठा बैठा, गरिमा से वजन बढ़ा देता है शरीर का, पहाड़ जैसा वजन कर लेता है शरीर में, 10 क्रेन 20 क्रेन भी लगाओ तो हिला नहीं सकती, ऐसा शरीर वजन कर लेता है शरीर का। अणिमा से बड़ा लघु रूप, लघिमा है, बड़ा लघु रूप धारण कर लेता है, अणु में से भी प्रवेश कर जाता है। अणिमा भी ऐसी है, चट्टान में से भी निकल जाता है। प्राप्ति है, प्राप्ति सिद्धि के प्राप्त हो जाने से संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर ले, अप्सरा भी चाहे तो प्रकट कर सकता है। लेकिन संसार की भोग जो आत्मा का कल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं, प्राकाम से अपने शरीर को सदैव नवयौवन रख सकता है, 1000 वर्ष की उम्र कर सकता है, 1000 वर्ष जिए, 2000 वर्ष जिए, 10000 वर्ष तक प्राकाम सिद्धि से, ईश्वित्व से अपना प्रभुत्व जमाता है, जहां जाएगा उसका प्रभुत्व जम जाएगा, सब उसका लोहा मानेंगे, वशित्व से वो वश में कर सकता है, ये वशीकरण मंत्र है, वशित्व देवताओं को वश में कर लेता है। रावण के पास थी सिद्धियां, उन्होंने रावण ने देवताओं को भी वश में किया हुआ था, वायुदेव उनके महलों में झाड़ू मारने आता था, इंद्रदेव घड़ों में मट्टी के घड़ों में पानी भरने के लिए, अग्निदेव चूल्हा जलाता था, शनि को पाटी से बांध रखा था खाट की, पलंग की पाटी से। तो ये भगवान कहते हैं कि
ये 18 प्रकार की सात्विक सिद्धियों में 8 सिद्धि प्रधान है, लेकिन इन सिद्धियों का फल केवल भौतिक संसार ही होता है। ये सिद्धियां केवल भौतिक लाभ दे सकती हैं, आत्मा का कल्याण करने में ये सहयोगी नहीं बल्कि रुकावट पैदा करती हैं। सहयोग देना तो दूर है, अभिलाषा शून्य भक्त मुझे प्राप्त करता है। उद्धव जिसकी संसार के भोगने की तमाम अभिलाषाएं गिर गई हों, अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, अनुकूलश्य कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में जो वस्तु अनुकूल हो उसका ही उपयोग करता है भक्त। अनुकूलश्य कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती संसार को भोगने की। वो कोई वस्तु भी ग्रहण करता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल हो, विपरीत नहीं हो। अभिलाषा शून्य भक्ति मुझे प्राप्त करते हैं तो फिर संसार की भोगों की इच्छा होगी तो फिर भगवान कहां रहे, भगवान से तो द्वेष पैदा हो जाएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, तो फिर स्वर्गे यान्ति परन्तप, फिर इनका जन्म मरण ही होगा, बार बार यहीं पर जन्म लेंगे, कभी गधे घोड़ों में, कभी कुत्ते बिल्लियों में, कभी मनुष्यों में, कभी स्त्रियों में, कभी पुरुषों में, कभी देवलोकों में भी जा सकते हैं, वो भी संसार ही है, वो महाभोगों की नगरी है वहां भी, लेकिन रहेंगे संसार में। कभी नरक में भी जा सकते हैं नीच कर्म करके, लेकिन रहेंगे संसार में ही। इच्छा जब तक है तब तक संसार है, माया मरी न मर मन मरा, मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भगवान से द्वेष करेंगे फिर, भगवान से फिर द्वेष करेंगे। इच्छा है लॉटरी जीत जाए, लॉटरी हार गए तो भगवान को भी गाली देंगे। तो इच्छा द्वेष ये द्वंद है, सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, मान अपमान है, ये पैदा होते हैं। कोई मान करे तो फूल जाता है आदमी, खुश हो जाता है, अपमान करे तो दुखी हो जाता है, तलवार निकाल लेता है, मार डालता है, गोली चला देता है। तो ये फिर संसार में भटकेगा और कहां जाएगा, ये द्वंद्वों के चक्कर में पड़ करके, ये मोह अज्ञानता के चक्कर में पड़ करके, अटैचमेंट के चक्कर में पड़ करके, मैं और मेरे के चक्कर में पड़ करके कहां जाएगा, यहीं जन्म लेगा, जहां आसक्ति है वहीं तो जन्म लेगा। अपनी मनपसंद चीज की तो इच्छा करेगा और जो मन के विपरीत आ गई, मनपसंद नहीं है, उससे नफरत करेगा, द्वेष करेगा। ये ड्वेलिटी है, ये द्वंद है संसार में। तो संसार में गिरने का कारण यही है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, और अज्ञानता का पैदा हो जाना, तमोगुण सर पे सवार हो जाना। जितना तमोगुणी आदमी होगा उतना ही वो ज्यादा आसक्त होगा भौतिक संसार की वस्तुओं पर, परिवार पर, मकान पर, कार पर, मान सम्मान पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, उतना ही आसक्त होगा जितना तमोगुण में गिरेगा। द्वंद मोहिन, मोह मानी
आसक्ति, मोह मानी अज्ञान, अज्ञानता में आसक्ति पैदा होती है। तो आसक्ति और अज्ञान ये तमोगुण में प्रकट होते हैं, तमोगुणी को अधिक रूप में प्रबल रूप में प्रकट होते हैं, रजोगुणी को हल्के रूप में, सतोगुणी से थोड़ा, सतोगुणी का आसक्ति होती है देवलोकों में, रजोगुण की आसक्ति होती है द्वंद मोह, जब हृदय में प्रकट हो जाता है, मन मस्तिष्क में समा जाता है, तभी प्राणी बार बार स्वर्गे यान्ति परंतपा। तो ये चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज, हे अर्जुन, हे परंतप, ये प्राणी बार बार इस संसार में जन्म लेता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु के मुंह में जाता है, घबराता है, रोता चिल्लाता है। सर्वभूतानि सम्मोह, तो जितने भी भूत प्राणी हैं ये संसार में, ये सभी मोहित हो रहे हैं, सभी को ये इच्छा द्वेष द्वंद मान अपमान अज्ञान ये मोहित करता है, अज्ञानता में मोहित कर हो जाता है, अज्ञानता में मोहित हो जाता है, कुछ भी कर बैठता है, अज्ञानता इसको मोहित कर लेती है, आसक्ति मोहित कर लेती है, अपनों पर, मैं और मेरे पर ही आसक्त बना रहता है, खिंचाव पैदा करती हैं ये चीजें, इच्छा होती है खिंचाव पैदा करती है, खींच लेती है शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा को संसार में, खींच लेती है इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, नफरत द्वेष ये भी संसार में भटकाती है, भगवान से नफरत पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, संसार में गिरेगा आदमी, भगवान को भूल जाएगा तो फिर संसार में गिरेगा, संसार में ही पड़ा रहेगा, यहीं बार बार सड़ेगा और मरेगा, फिर जन्म लेगा, ताजा बनेगा लेकिन फिर सड़ेगा फिर मरेगा, यही जन्म मरण जरा व्याधि है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो सब भूत प्राणी संसार में इन चीजों के वशीभूत हो रहे हैं, इन चीजों से मोहित हो रहे हैं, इच्छा है सबके हृदय में संसार को भोगने की, द्वेष है, द्वंद है, ये अच्छा ये बुरा है, ये मेरा ये तेरा है, ये रात है ये दिन है, ये मान है ये प्रतिष्ठा है, ये अपमान है, ये सुख है ये दुख है, ये भूख है ये प्यास है, ये द्वंद्वों के चक्कर में, ये इच्छा के चक्कर में, ये द्वेष बदले की भावना इसके चक्कर में पड़ करके, भूत बन जाते हैं लोग। मनुष्य बनने का अधिकार नहीं रह गया हो तो भूत बन जाते, भूत बन के भी द्वेष वैर भाव से जो है सताते हैं फिर लोगों को। तो द्वेष भी संसार में जन्म दिलाता है बार बार, भूत बना दे, प्रेत बना दे, मनुष्य बना दे, नीचे उतार दे, कोई काला नाग बना दे जो बदले की भावना लेने वापस आ रहा हो, भूत प्रेत बन के आ रहा हो। ये सब भगवान को भूल जाने से, भगवान से जिन्होंने द्वेष साध लिया है,
ऐसे राक्षस बार बार यहां जन्म लेते हैं, भगवान को जो भूल गए हैं, भगवान को नकार दिया है, वो बार बार यहां जन्म लेते हैं संसार में। सर्गे यान्ति परंतप, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो संसार का कारण है, संसार को भोगने की इच्छाएं, अच्छे को गले लगाना, बुरे को नफरत करना, दूर भगाना, सुख को अपनाना, दुख को नकार देना, ये द्वंद है। कोई मान करे तो आनंद आता है, अपमान करे तो द्वेष पैदा होता है। ये द्वंद के कारण ये सारा गड़बड़ हो जाता है। फिर सम्मोह यानी अज्ञान, तम तमोगुण, तमोगुण में अज्ञान पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है। फिर इसके स्तर हैं, तमोगुण की आसक्ति है, बिल्कुल ही चिपक जाना, जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी चिपक गई पंखों सहित, ऐसी आसक्ति। या फिर ऐसी आसक्ति जैसे मोरारजी भाई देसाई की थी कि पद से चिपके ही रहो, या ऐसी आसक्ति जो देवलोकों में जाने के लिए आसक्त है, देवता का जैसा शरीर प्राप्त करना चाहता है, वहां की रंभार मेनका अप्सराओं से मुलाकात करना चाहता है, वहां की सुरा पान करना चाहता है, वो भी एक आसक्ति है। तो ये सभी संसार में बार बार जन्म और मरण का कारण बनती है। सारे भूत जो है, भूत प्राणी इसी चक्कर में संसार में जन्म लेते हैं बार बार, और मरते हैं, जन्म लेते हैं। Thank you.